इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया, वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी कि ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने। तबीयत तो ठीक है साहब की हमारे, 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में, हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। लेकिन 10 दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, यह हैरानी की बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा, कोई तो मुंह खोलेगा, कोई जानकारी देगा, कोई जवाब देगा, कोई प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सुरक्षा में चूक थी, 5 विमान अगर मुहैया करा दिए जाते जवानों को सीआरपीएफ के, तो ये आतंकी हमले से वो बच सकते थे। सरकार ने वो विमान देने से इनकार कर दिया। यह बात 2019 में 14 फरवरी की शाम को जब प्रधानमंत्री जी को फोन पर सत्यपाल मलिक जी ने बताई कि साहब ये लापरवाही है, ये चूक है जिसके चलते हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। इतना बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, एक इंटरव्यू में किया, उसके बाद भी एकदम चुप्पी सरकार की तरफ से। हां, ट्रोल आर्मी जो है इनकी सत्यपाल मलिक जी के पीछे पड़ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार के विषय में भी कुछ कहा, कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिए, उन्होंने उदाहरण दिया गोवा के, जब वो राज्यपाल थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में गोवा के मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचार है वो जब लाए, तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पर नहीं हुई। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को आनन फानन में हटा दिया गया गोवा से, एक विशेष विमान भेजा गया उनको कि यहां से रवाना करो, यहां बैठो भी नहीं, रुको भी नहीं, एक दिन भी नहीं रुको। तो सत्यपाल मलिक जी ने अदानी जी वाले मुद्दे पर भी अपने विचार रखे कि प्रधानमंत्री को यह अदानी वाला जो मामला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तमाम कारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसीज, अब सत्यपाल मलिक जी का पता उन्हें मिल गया हो, अब वो जा रहे हैं। आपको याद होगा यही बात बिना राम माधव का नाम लिए सत्यपाल मलिक जी ने 2021 में भी बोली थी, कहा था आरएसएस के एक व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, वो एक दो प्रोजेक्ट्स में बड़ी रुचि रख रहे हैं जिसमें 300 करोड़ की रिश्वत इन्हें सत्यपाल मलिक जी को भी मिल सकती है। उसके बाद भी सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था 2021 की अक्टूबर में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।